दोस्तों नमस्कार, मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम सभी कुछ को एक साथ फ्री रेंज में कैसे पालते हैं। और देखिए, लास्ट में उधर कड़कनाथ चर रहे हैं, इधर वाइट पैपकिन डक है, इधर पूरे टर्की लोग हैं, टर्की और भी हैं, इधर टर्की के रूम में वो लोग चले गए हैं। और ये देखिए, यहाँ पे देसी मुर्गी का कुछ पेरेंट्स स्टॉक है हमारे पास, जो कि यहाँ पे थोड़े से हैं, थोड़े से यहाँ हैं, सारे लोग इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, हमने डॉग्स लोगों को खाना दिया है। तो डॉग्स लोगों को कैसे खाना दिया है, इसमें गरम चावल है दोस्तों, और साथ में पेडिग्री की ग्रेवी जो आती है वो है, और वेमराल है, और ऑस्टोवेट है। तो जैसे ये लोग खा रहे हैं, देख पा रहे हैं आप, तो इनके खाने के बाद ये लोग डॉग लोग अक्सर शौकीन होते हैं, तीन टाइम खाते हैं, सुबह दोपहर शाम करके। तो उसके बाद जो खाना बच जाता है इनका, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा छांट छांट के खा रहे हैं। अभी इनका साफ सफाई नहलाना धुलाना हुआ है, उसके बाद जो बच जाता है दोस्तों, वो बचने से ख़राब हो जाता है। तो देखिए हमारे टर्कियाँ कैसे खा रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं दोस्तों, अगर किसी के पास बैकयार्ड में पीछे में छोटा सा भी जगह है और नई भी है, तो छत के ऊपर में आप ऐसा सेटअप बना सकते हैं, क्योंकि टर्की आप छत के ऊपर में आराम से पाल सकते हैं। टर्की पालने में कोई खर्चा नहीं है। और ऐसे करके ये लोग घास वगैरह भी खा लेते हैं, और जो डॉग्स के जो बचे चावल हैं, चाहे डॉग्स के हों या घर के जो छोटे मोटे बचे चावल हैं। टर्की एक्चुअल में मुर्गी की प्रजाति है, पूरी तरह से मुर्गी को ही बिलोंग करती है, बल्कि मुर्गी से ज़्यादा बेहतर आसान है पालने में। वो कैसे, जैसे कि अपन घास फूस इस टाइप का जो पीछे में थोड़ा सा जगह है, उसमें से घास के बीजे और घास पत्ते हरा खाना बहुत पसंद करते हैं। ये एक्चुअल में इनका पेट भर गया है, उसके बाद भी ये मतलब अब भाई मुर्गी के जाती हैं तो थोड़ा सा तो करेंगे ही। तो खैर, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से इसको मेंटेन कर सकते हैं। हमारा ये दिखाने का ये उद्देश्य नहीं है, हमारा दिखाने का ये उद्देश्य है कि आप बचे कुचे जगह पे आराम से आप इसको पाल करके देख सकते हैं। अब इसके बाद आएंगे, देखिए ये हमारे पास कुछ गिरिराज ग्राम प्रिय और इसके पेरेंट्स स्टॉक हैं, जो कि ये लोग अंडे दे रहे हैं। काफ़ी डेली का अंडा आता है इनका हमारे पास, तो अभी इसको फिर बैठाएंगे अभी अपन अंडे पे। ये देखिए हमारे यहाँ का जो बैतापी लेबू बोलते हैं बांग्ला में, और हिंदी में चकोतरा बोलते हैं, तो इसका प्लांट है देखिए। और ये कड़कनाथ के दो मुर्गे हैं, देखिए गौर से, ये कड़कनाथ के दो मुर्गे हैं, सॉलिड हैं, ये क्रिस्टल चूल्हा वाले हैं। क्रिस्टल चूल्हा का मतलब ये होता है दोस्तों कि सीधा नहीं होता, वो थोड़ा सा झुका हुआ क्रिस्टल में रहता है। आज हमारा कॉन्सेप्ट जो है ये सब मिक्स में है, आज आपको दिखाने के लिए सबको छोड़े हुए हैं। देखिए साइज़ देखिए इनका, ज़बरदस्त साइज़ है। और वो डक्स हैं हमारे, डक्स वाइट पैकिंग है, खाकी कैम्बल हैं कुछ। तो किसी भी भाई को अगर जो भी लगे तो हमसे बिल्कुल संपर्क करें। और ये साथ में देखिए हमारा एप्पल बेर का ये ट्री है, जो कि इस साल कटिंग किए थे अपन। कटिंग करने के बाद देखिए ये फिर से इतने में अभी आ गया है, फिर इसमें फूल फल भी आने लगे हैं, आपको फूल फल को भी दिखाएंगे। ये देखिए इसके साथ में एक और है, जो भी फिश फार्म का और हमारा जो बचत तालाब वालाब का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकलता है। तो देखिए यहाँ से सीधे करके ये हमारे ये वाले फार्म में चला जाता है, जिसमें कि पपाया लगा हुआ है और साथ में अपना कुछ खेती लगा हुआ था। ये बैगन का फसल ख़त्म हो गया है, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये कड़कनाथ की मादी है, ये लोग भी अंडे दे रहे हैं कंटिन्यू अभी। और आगे चलते हैं, तो दोस्तों इस फल का नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं हमें। ये देखिए ये फूल आया हुआ है और ये फल है, आगे भी फल दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये फल है, तो दोस्तों अगर किसी के पास जगह नहीं है, वो छत के ऊपर भी अपनी टंकी बना सकते हैं। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, अगर आपको बिलीव नहीं है तो छत के ऊपर में हम आपको एक टंकी बनाएंगे अभी, और उसका पानी पाइप कनेक्शन द्वारा ऐसे खेतों में लेकर के आएंगे और दिखाएंगे आपको कि कैसे अपन उसको देख सकते हैं और अच्छे से रख सकते हैं। ये देखिए हमारा जो एक्स्ट्रा जो फिश फार्म का जो पानी आता है, जो बचत पानी है खाद के रूप में जिसको अपन लेते हैं, देखिए कितना अच्छा यहाँ पे भिंडी भुट्टा ये सब कुछ लगा हुआ है, ख़ास करके इन्हीं लोगों के लिए स्पेशली। ये देखिए जैसे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर करेला है,
तो पानी भी वेस्टेज ना हो पाए दोस्तों, कुछ ऐसा करना है अपन को। और साथ में इस टाइप का घेर दिए हैं जिससे कि अंदर नहीं जाते हैं। अभी लॉकडाउन में काफ़ी लोगों का समय बोरियत भरा चल रहा है, तो हम बोलेंगे लॉकडाउन में आप अगर कुछ पेट्स अगर इकट्ठे करके घर के दाल चावल से, जिसके पास जगह नहीं है तो वहाँ पर वो अपन केज वेज बना करके रख करके अपन कर सकता है। देखिए सोलर सिस्टम लगा हुआ है, देखिए एक दूसरे को बिल्कुल नुकसान नहीं करते ये लोग। ये लोग गार्ड पर्पस एक दूसरे का बहुत ज़्यादा मदद और हेल्प करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा फिश फार्म का सेटअप है, जो कि अभी मछली वगैरह डालेंगे इसके अंदर तो फिर आपको दिखाया जाएगा कि कैसा है। पूरी ग्रीन सेट से ढकी हुई है। और ये हमारा सोलर देखिए बदली है, उसके बाद भी चल रहा है। ये देखिए सोलर चल रहा है। तो आइए सोलर को बंद कर देते हैं। क्योंकि बहुत स्लो है। ये हमारा काजू का पेड़ है, जो कि साल भर का काजू आराम से दे देता है। और ये चकोतरा का फल है, देखिए इस चकोतरा का फल में सबसे ज़्यादा फल आने का जो रीज़न है वो हम आपको बताएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले भी बोले थे, थोड़ा सा समय के अभाव के वजह से हम नहीं बना पा रहे थे। ये देखिए पपाया 12 महीना मिलता है हमारे पास, और हम आपको आज मिक्स कॉन्टेंट है बोल करके बता रहे हैं। ये देखिए ये जो टंकी आप देख पा रहे हैं ये अंजोला के लिए बना है, इसका भी एक वीडियो जाएगा आपको। और ये हमारा कलम किया हुआ, हमारे हाथ का कलम हुआ आम का पौधा है, इस साल काफ़ी आम फला था इस पर, आपको बताएंगे इसके बारे में भी। ये एक पपीता के पेड़ में फंगस लग रहा है, तो जल्दी अगर इसका उपाय नहीं करेंगे तो ये भी जाएगा। और किसी भाई को अगर चकोतरिया का पेड़ चाहिए तो भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी इस साल इसका कलम भी करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब एक तो चले गए, अब दूसरा फिर आए हैं ये। अब मुर्गियों के खाने की बारी है, बचत खाना बिल्कुल नहीं बचेगा डॉग्स के पास में, ये सब खा जाएंगे इसको। इनका भी पेट भर जाएगा, इनका भी पेट भर जाएगा, डॉग्स का भी। तो किसी को भी अगर पेरेंट्स तो सेल के लिए नहीं हैं, अंडे बच्चे सेल के लिए हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो बिल्कुल संपर्क करें और आपको मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जगह का अभाव हो, आप मन बनाए पालने का, आपको सब कुछ हो जाएगा व्यवस्था, उसमें बिल्कुल हमारी मदद रहेगी। छोटा सा एक, जैसे कि हम यहाँ पे बहुत सारा बटेर था, हमारा एक बटेर का जो दूसरा सेटअप था, वो बटेर का दूसरा सेटअप में बहुत सारे सेटअप हैं, ये जो सेल के लिए अपन रखे थे पिछली बार कुछ, वो बटेर भी सेल हो गए हैं। देखिए ये लोग ओपन सेट में रहते हैं, देखिए देखिए कितने बड़े बड़े और अच्छे बटेर हैं, एकदम मस्त हैं। ये अंडे भी आए हुए हैं, देखिए बटेर के अंडे आए हुए हैं, आप चाहें तो इसे खा सकते हैं, चाहें तो ये ऐसे होते हैं बटेर के अंडे, चाहे तो आप बच्चे फोड़ा सकते हैं। अभी ये पांच अंडे हैं अभी, जैसे देख पा रहे हैं आप। और ये बटेर हैं, इसमें से सारे बटेर सेल आउट हो चुके हैं। और अभी फिश नहीं होने की वजह से हमने अंजोला छोड़ा हुआ है, वो भी देख लीजिए। अंजोला जो कि हमारे मछलियों के लिए और जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में एक वीडियो हम बनाए हैं, आप लोग चाहें तो जा कर के देख सकते हैं। अंजोला क्यों ज़रूरी है, ऐसे नाम से है दोस्तों। और ये हमारा तालाब है, जो कि अभी तक हम इसमें डाले नहीं हैं, मछली डालेंगे तो आप लोगों को अपडेट करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चीनी मुर्गी हैं, पर्शियन कैट हैं, रैबिट्स हैं, तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है कि आप इसमें क्या गलती करें, क्या ना करें, क्या सुधार करें, ये जो सेटअप है उसके ऊपर में, जो इस टाइप का सेटअप बना है उसमें कहाँ पे गलती हुआ है उसके ऊपर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और साथ में कमेंट भी करते रहें दोस्तों, इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है। देखिए ओके दोस्तों, थैंक्स, धन्यवाद।